तो इस वक्त है हम अभी उज्जैन में और हम निकल रहे हैं ओंकारेश्वर दर्शन के लिए। और ये आप पीछे देख सकते हैं, हमारी गाड़ी आ गई है अर्टिका, और सोल्ड गाड़ी है, नई गाड़ी है। और 140 किलोमीटर की दूरी है उज्जैन से ओंकारेश्वर की, लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे जिस दूरी को सफ़र को तय करने में हमको। और ड्राइवर साहब ने हमारे हमको बताया कि घाट का रास्ता है वो, तो थोड़ा समय लगता है और ठंड का मौसम है, तो थोड़ा धुंध भी यहाँ पर हमको मिलेगी रास्ते में, इसलिए सफ़र खुशनुमा तो होने वाला ही है पर थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है सफर। तो हमारे साथ हमारे ड्राइवर साहब हैं रितेश अग्रवाल जी। सबसे पहले नोगरा शनि मंदिर है, अच्छा आप यदि दर्शन करना चाहो तो पहले वो दर्शन कर लो। हाँ फिर उसके बाद सीधे चलेंगे अपन ओंकारेश्वर जी। हाँ ओंकारेश्वर जी का पूरा मंदिर दर्शन करेंगे। हाँ और फिर उधर से रिटर्न में आओ, आप चाहो तो काल भैरव करना चाहते हो काल भैरव भी करवा देंगे। अच्छा, और महाकाल के लिए समय बचेगा आज? बिल्कुल बचेगा, पर समय नाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी आने में, तो नाइट नाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ 10 साढ़े 10 बजे के लगभग तो अपन यहीं आएंगे। कितना दूर है ओंकारेश्वर यहाँ से? यहाँ से 140 किलोमीटर। और सफ़र में कितना समय लगेगा? सफर में बीच में कुछ घाट है तो 4 से 3 साढ़े 3 4 घंटा लगता है। 4 घंटे के आसपास लगेगा हमको ओंकारेश्वर जाने में। अच्छा चलिए धन्यवाद। और ये हमारी गाड़ी निकलने वाली है, सभी सवारी बैठ गई है इसमें। पावर बैंक आपके रख लीजिए। जय बाबा महाकाल, जय जय राम। और ओंकारेश्वर जाने से पहले हम यहाँ नवग्रह मंदिर जो है शनि मंदिर वहाँ पे पहले रुकेंगे दर्शन के लिए। मौसम एकदम धुंध का है, सुहावना मौसम है यहाँ पर। और सामने आप देख सकते हैं भारी संख्या में टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो जा रही है ओंकारेश्वर के लिए। और ये छिप्रा नदी पर बना हुआ ब्रिज है जिसपे हम जा रहे हैं। और ये बोर्ड लगा हुआ है शनि मंदिर के लिए, अंदर जा रहे हैं मंदिर के, अंदर जा रहे हैं हम। कहाँ पर? वहाँ पे टोल प्लाजा है, पहला टोल प्लाजा हमको इंदौर उज्जैन रोड पे पड़ा है। ये नाम इसका है महाकालेश्वर टोल प्लाजा, यही टोल पड़ेगा, इसके बाद शॉर्टकट चलेंगे। ये इकलौता टोल पड़ेगा हमको जाने के लिए ओंकारेश्वर, उसका शॉर्टकट पूरा ड्राइवर साहब ने शॉर्टकट बताया है। इकलौता टोल हमको पड़ने वाला है ये। काफी भीड़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उज्जैन से जो इंदौर की दूरी है लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है जो रास्ते में पड़ेगा हमको, हम बाईपास से निकलने का कोशिश करेंगे, वहाँ इंदौर सिटी में हमको ना जाना पड़े। और फिलहाल हम ये उसल वाला करके नया रेस्टोरेंट खुला है तो वहाँ पर आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है तो नाश्ता कर लेते हैं, काफ़ी लंबा समय भी हो गया है हमको। नाश्ता आ गया है सुबह का, आलू पराठा, उसके साथ दही है, पापड़ है। सर आइए, बैठे आ रहा है, सुनो दीजिए। टेस्ट अच्छा है भैया, स्पून चम्मच 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 कितनी होती है? 3 और दे देंगे। कैसा भैया पराठा? कैसा? अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है सर। कैसा नंबर रहा? दही भी काफी अच्छा फ्रेश है, दही भी बढ़िया है। सुमन भैया कैसा है टेस्ट? लेट करवाया है लेकिन अच्छा रहा। टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत बढ़िया टेस्ट। और ये दूरी दी गई है सांवेर देवास छिप्रा इंदौर की। और ये मांगलिया एक सिटी है छोटी सी जो पड़ती है बीच में, एक रास्ता यहाँ से चला जाता है सीधे भोपाल के लिए और एक रास्ता इंदौर के लिए चला जाता है। तो ये सिटी बीच में पड़ी है हमारी ओंकारेश्वर जाने के बीच में।
इंदौर बाईपास है नहीं भाई साहब, इंदौर बाईपास से निकल रहे हैं हम और ये बॉम्बे रोड से हम कट गए हैं ओंकारेश्वर जी जाने के लिए। और यहाँ से 68 किलोमीटर है दूरी, 68 किलोमीटर, और घाट वगैरह भी है यहाँ से जाएंगे तो उसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। जब घाट चालू होंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे घाट है यहाँ पर, दो घाट है यहाँ पर। और ये सीएनजी फिलिंग के लिए हमारी गाड़ी पहुँच गई है। लगभग 10 किलोमीटर का घाट है ये, और घाट प्रारंभ हो चुका है। और ये सामने आप पहाड़ पे देख सकते हैं, वो नर्मदा लाइन है पानी का, ये सीमेंट का बना हुआ पाइप है। छिपरा में पानी लाने के लिए नर्मदा से पानी जो लाया जाता है, लाया गया है, वो इसी लाइन के सहारे लाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत शानदार घाट है, और बारिश के मौसम में तो बहुत ही खूबसूरत दिखता होगा ये, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है घने, और पेड़ वगैरह है, तो बारिश के मौसम में जो बरसाती नाले हैं उनका भी यहाँ पे देखने मिलते होंगे। ये जो नर्मदा लाइन जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, ओंकारेश्वर जाने के रास्ते में ये शनि मंदिर है, शनि देवता का मंदिर, शनि नवग्रह मंदिर है ये। और ये दूसरा घाट है ओंकारेश्वर जाने का। ट्रैफिक आप देख सकते हैं, दोनों साइड से ट्रैफिक है, ना जाने वाले वाहन कम हुए हैं ना आने वाले, और लंबा जाम फंसा हुआ है। इससे पहले भी हम 1-1.5 घंटे के जाम में फंस चुके हैं, और अभी ये दोबारा जाम हमको मिल रहा है। और अब हम पहुंचने वाले हैं ओंकारेश्वर, ये बड़वाह जगह का नाम है, और यहाँ पर नर्मदा मैया में पुल बना हुआ है, तो यहाँ पहुँचते ही बड़वाह के सिटी को जैसे ही आप पार करेंगे तो आपको नर्मदा मैया के दर्शन हो जाते हैं। और ब्रिज आने वाला है अभी, ये नोटिस बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं कि बाढ़ का पानी हो तो पुल पार ना करें, और ये नर्मदा नदी का बोर्ड लगा हुआ है। और ये नर्मदा मैया है, और ये मेला लगा हुआ है नर्मदा के किनारे। कल नर्मदा जयंती है जिसके कारण यहाँ पर मेले का आयोजन हो रहा है, झूले वगैरह आए हुए हैं बच्चों के लिए। ये नर्मदा जी के दर्शन है, नाव वगैरह भी उपलब्ध है यदि आप नाव में घूमना चाहें तो।
ओंकारेश्वर रोड में। हाँ, और ये ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है, यदि आप ट्रेन से आते हैं छोटी लाइन से तो यहाँ पर ओंकारेश्वर की जो ट्रेन है वो हमको उतारती है, इसके बाद आपको वाहन सुविधा का सहारा लेना पड़ेगा ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। तो ये ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है और ये टर्न है जिससे आप मंदिर के लिए जा सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब पूरा रास्ता खत्म होने को है तब हमको सरान रोड मिल गई है, एकदम बढ़िया रोड जिसमें ट्रैफिक नहीं है। पहली बार हमको ऐसी रोड देखने मिली, जब से हम उज्जैन से निकले हैं ट्रैफिक में ट्रैफिक ही ट्रैफिक देखने मिला हमको। लगभग 1-1.5 घंटे हम जाम में फंसे रहे, उसके बाद भी लगातार ट्रैफिक रहा, चाहे घाट में हो चाहे दूसरे घाट में हो। और उसके बाद भी जो सिटीज आती रही वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक था। और ये पहली रोड हमको दिखी है उज्जैन टू ओंकारेश्वर टूर में जहाँ पर हमको ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है, एटलीस्ट आराम से हमारी गाड़ी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ सकी है। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है पर ट्रैफिक के कारण और घाट के कारण बहुत ज़्यादा समय लगता है ओंकारेश्वर आने में उज्जैन से। तो जब भी आप ओंकारेश्वर आए तो थोड़ा सा प्लान करके आए कि आपके पास एक पूरा दिन हो, आप सुबह जल्दी उज्जैन से निकल आए ताकि आप शाम तक या रात तक उज्जैन वापस पहुंच सके ओंकारेश्वर दर्शन करने के बाद, और नर्मदा मैया के अभी दर्शन और भी होंगे यहाँ पर। और हम एकदम करीब पहुंच चुके हैं मंदिर के, ओंकारेश्वर मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है, ममलेश्वर मंदिर का बोर्ड है, बांध स्थल है।